दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली कथा में सुना कि किस प्रकार राजा के एक साधारण से नौकर को अपमानित करने के कारण दंतल सेठ को स्वयं ही अपमान का घूंट पीना पड़ा। अगर आपने वह कहानी नहीं सुनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब हम सुनते हैं कथा का अगला भाग। किसी गांव में एक जुलाहा और एक बढ़ई रहते थे। दोनों अपना अपना समय साथ साथ ही बिताने लगे। एक बार किसी मंदिर में एक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक नटों और नर्तकों आदि ने अपनी अपनी कला के अपूर्व चमत्कार दिखाए। उस समारोह को देखने के लिए वे दोनों मित्र भी पहुंचे। कुछ ही देर बाद वस्त्राभूषणों से सजी वृद्ध ब्राह्मणों और सखियों से घिरी तथा हथनी पर सवार होकर अत्यंत रूपवती राजकुमारी भी वहां पधारी, जिसे देखते ही जुलाहा उस पर आसक्त हो गया और उसे राजकुमारी के बिना अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। राजकुमारी के वियोग में जुलाहा किसी पागल की भांति आचरण करने लगा। अपने मित्र की इस दशा से चिंतित होकर बढ़ई ने उससे पूछा, तुम्हें यह क्या हो गया है? कुछ तो बताओ, तभी तो पता चलेगा और कोई उपाय सोचा जा सकेगा। जुलाहा बोला, मित्र, तुम ही मेरे सुख दुख के साथी हो। मैं तुम्हें अपना दुख नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? शायद मेरी बात सुनकर तुम मेरा उपहास करो, मेरी चाहत पर हंसो और उसे असंभव बताकर मुझे उपदेश देने लगो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक चिता तैयार कर दो, ताकि मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकूं। जुलाहे के दुख से दुखी बढ़ई ने कहा, मित्र, मुझे अपना दुख बताओ। शास्त्रों में कहा गया है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे औषधि, धन, मंत्र तथा महात्माओं की बुद्धि के बल पर सिद्ध न किया जा सके। यदि औषधि, धन, मंत्र और बुद्धि में से किसी एक के माध्यम से भी तुम्हारा कार्य सिद्ध किया जा सकेगा तो उसे सिद्ध किया जाएगा। जुलाहा बोला, मित्र, मेरा दुख किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता, अतः मुझे मरने दो। बढ़ई बोला, तुम्हारे वियोग में मैं नहीं रह सकूंगा, अतः तुम्हारे साथ मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। जुलाहा बोला, मेरे दुख का कारण वह राजकुमारी है। मैंने जब से उसे देखा है मेरा मन वश में नहीं रहा। मैं उसके वियोग में जल के बिना मछली की भांति तड़प रहा हूँ। अपने मित्र जुलाहे को इस प्रकार तड़पता देखकर बढ़ई उसके प्रति द्रवित हो उठा और उसे आश्वासित करते हुए बोला, मित्र, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यदि तुम सचमुच राजकुमारी को चाहते हो तो अपना मनोरथ पूरा हुआ जानो। जुलाहा बोला, मित्र, कहीं तुमने भांग का सेवन तो नहीं कर लिया? राजकुमारी के अंतःपुर की रक्षा प्रहरी दिन रात करते रहते हैं, जहां बिना अनुमति के वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती। मैं ऐसे महल में किस प्रकार प्रवेश पा सकूंगा और किस प्रकार मेरा उसके साथ समागम हो सकेगा? बढ़ई बोला, मैं झूठ नहीं कहता। मैं अपनी बुद्धि बल से इस असंभव को संभव करके ही रहूंगा। यह कहकर उसने आकाश में उड़ने वाला लकड़ी का एक गरुड़ बनाया और उस गरुड़ में पंखों के रूप वाली दो सूखी लकड़ियां लगा दी। उसने लकड़ी के ही शंख, चक्र, गदा, पद्म, मुकुट और कौस्तुभ मणि भी बना ली और अपने मित्र जुलाहे को विष्णु बनाकर और गरुड़ को उड़ाने उतारने की विद्या सिखाकर कहा, बंधु, इस विष्णु रूप में आज तुम आधी रात में अपनी प्रेमिका के शयन कक्ष में पहुंचकर उससे मिलो और राजकुमारी को मुक्त करके उसके साथ बात करके आओ। बढ़ई की इस योजना से प्रसन्न होकर जुलाहे ने वही किया। अपने कक्ष में विष्णु रूपी नारायण को देखकर राजकुमारी आंखें फाड़े जुलाहे को देखने लगी। जुलाहे ने भी राजकुमारी को अभय दान देते हुए कहा, सुंदरी, तुम्हारे लिए मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर आया हूँ। आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। शंख, चक्र, पद्म और गदा से युक्त तथा गरुड़ पर आरूढ़ जुलाहे को राजकुमारी सचमुच विष्णु समझकर उसे प्रणाम करती हुई बोली, क्या आप मनुष्य जाति के लिए यहाँ तक आए हैं? जुलाहे ने कहा, देवी, तुम नहीं जानती कि तुम ही पूर्व जन्म की मेरी पत्नी राधा हो। उस जन्म में तुम गोकुल में प्रकट हुई थी और इस जन्म में राजकुमारी बनी हो। तुम्हें इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं, किंतु मैं सब जानता हूँ और मैं तभी तुमसे मिलने आया हूँ। राजकुमारी बोली, प्रभु, यदि आप सत्य कह रहे हैं
तो आपको मुझे मेरे पिता से मांग लेना चाहिए। उत्तर में जुलाही ने कहा, मैं सभी मनुष्यों को दर्शन देने के लिए सुलभ नहीं होता। तुम्हारे पिता ऐसी पुण्य आत्मा नहीं है कि मैं उन्हें दर्शन दे सकूं। तुम्हें मुझसे गंधर्व विवाह करना होगा। यदि तुमने स्वयं को मुझे समर्पित नहीं किया तो मेरा शाप तुम्हारे परिजनों का सर्वनाश कर देगा। इतना कहकर जुलाहे ने भय और लज्जा के कारण सिमटती जा रही राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। उससे डर कर राजकुमारी भी शांति से वहां बैठ गई और उससे अपनी बातें करने लगी। इस प्रकार यह जुलाहा हर अर्धरात्रि के समय राजकुमारी के पास जा पहुंचता और उससे बात करने लगता और पूरी रात्रि वहीं रहता। कुछ समय बीतने पर राजकुमारी को देख चिंतित होती उसकी सखियों को कुछ संदेह हुआ। उसने पहरेदारों को भी कहा कि आप राजा को सूचित करिए, राजकुमारी कुछ चिंतित हैं। प्रहरी ने राजा के पास पहुंचकर उनसे कहा, महाराज अपराध क्षमा करें, हम चिड़िया तक को भी राजकुमारी के महल में नहीं घुसने देते, किंतु हमें संदेह है कि राजकुमारी के कमरे में किसी पुरुष का आना जाना है। कृपया आप उनसे बात करें और आपको जो उचित लगे वह करें। यह सुनते ही राजा अत्यंत दुखी हुए। इस प्रकार देर तक विलाप करने के पश्चात राजा ने रानी से सत्य का पता लगाने का अनुरोध किया। पति की बात सुनकर चिंतित हुई रानी उसी समय पुत्र के कक्ष में जा पहुंची। पुत्री को दुखी और उदास देखकर रानी ने उससे पूछा, पुत्री जो हमने सुना क्या वह सत्य है? तुझे लज्जा नहीं आती? यह सुनकर राजकुमारी ने बताया, माँ अर्धरात्रि के समय स्वयं भगवान विष्णु नारायण मेरे साथ मुझसे मिलने मेरे कक्ष में आते हैं। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो आज रात को हमारे कक्ष में रुक जाना, वह जब आएंगे तो आप उन्हें देख लेना। कन्या की बात सुनकर रानी राजा के पास जा पहुंची और राजा से बोली, महाराज हम बड़े भाग्यशाली हैं, स्वयं भगवान विष्णु अर्धरात्रि के समय हमारी पुत्री के पास आते हैं। उन्होंने हमारी कन्या से गंधर्व विवाह भी कर लिया। आज अर्धरात्रि के समय हम दोनों खिड़की से भगवान के दर्शन करेंगे। राजा और रानी ने बड़ी कठिनाइयों से दिन व्यतीत किया। रात्रि के समय राजा और रानी खिड़की के पास जाकर बैठ गए। आधी रात के बाद उन दोनों ने सचमुच शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु नारायण को आकाश मार्ग से महल की छत पर अपने वाहन गरुड़ से उतरते हुए देखा। प्रसन्न होकर राजा रानी से बोला, प्रिय हम तो विष्णु जी को दामाद के रूप में पाकर सचमुच धन्य हो गए हैं। अब तो मैं अपने दामाद के बल पर सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लूंगा। फिर तो अहंकार ग्रस्त होकर राजा ने अपने पड़ोसी राज्यों से भी अकारण छेड़छाड़ करना आरंभ कर दिया। इस छेड़छाड़ से क्रुद्ध होकर पड़ोसी राजाओं ने उसे सब ओर से घेर लिया। तब राजा ने रानी के माध्यम से अपनी पुत्री को यह संदेश भेजा कि वह विष्णु नारायण से राज्य की रक्षा तथा शत्रुओं के विनाश के लिए कहे। राजकुमारी ने विष्णु नारायण बने जुलाहे से सहायता की याचना की तो वह बोला, सुमुखे तुम चिंतित ना हो, तुम्हारे पिता के शत्रुओं के तो मैं पल भर में ही अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जुलाहे ने कह तो दिया परंतु युद्ध करना उसके वश में न था। इधर राजा विष्णु जी की सहायता के भरोसे बैठे थे। स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि राजा का राज्य उसके महल तक ही रह गया। राजकुमारी ने रात्रि में विष्णु बने जुलाहे से कहा, यदि आपने कोई सहायता ना की तो हम सब बंदी बना लिए जाएंगे और फिर मेरा आपसे मिलना संभव नहीं हो सकेगा। जुलाहा सोच में पड़ गया कि राजकुमारी ने मेरे आगे समर्पण कर दिया, उसके पिता ने भी मुझे साक्षात विष्णु नारायण समझकर अपने पड़ोसियों से संघर्ष मोल ले लिया। अब इनकी सहायता करना मेरा धर्म ही नहीं कर्तव्य भी है। मैं गरुड़ पर सवार होकर इसी रूप में शत्रु पर अपना क्रोध प्रदर्शित करूंगा, शायद भयभीत होकर शत्रु यहाँ से भाग ही जाएं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि विष रहित सर्प को भी बचाव के लिए अपने फन को दिखाना चाहिए। फन की भयंकरता से ही काम बन जाता है। जुलाहे ने यह भी सोचा कि यदि शत्रुओं को डराने में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो यह मेरे लिए अच्छा ही होगा। शास्त्रों का कथन है कि गाय ब्राह्मण स्वामी स्त्री और स्थान की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण गंवाने वाले को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है।
जब मैंने अपने को उनके सामने विष्णु रूप में प्रकट किया है तो उन्हें इस प्रकार संकट में छोड़कर भाग जाना मुझे शोभा नहीं देता। यह सोचकर जुलाही ने राजकुमारी से कहा, प्रिय आज मैं तुम्हारे पिता के शत्रुओं का वध करने के पश्चात ही अन्न जल का ग्रहण करूंगा। तुम अपने पिता से शेष बची सेना के साथ व्यूह रचना के लिए कह दो, मैं सारे शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा। राजकुमारी ने पिता को यह सब बताया तो राजा ने सब कुछ वैसा ही कर दिया। इधर विष्णु रूपधारी जुलाहा भी युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिया। इस बीच भगवान विष्णु नारायण ने गरुड़ का स्मरण किया और गरुड़ के उपस्थित होने पर श्री नारायण ने उनसे कहा, गरुड़ तुम्हें मेरा रूप धारण करके और काट के गरुड़ पर सवार होकर जुलाहे के राजकुमारी के संबंध के बारे में जानकारी तो अवश्य ही होगी। गरुड़ बोला, प्रभु मैं उसकी दृष्टता से भली प्रकार परिचित हूँ, आप आज्ञा कीजिए। नारायण बोले, वत्स आज अपनी मृत्यु को निश्चित समझकर भी वह जुलाहा राजकुमारी के प्रति मोह के कारण ही मेरा वेश धारण करके युद्ध क्षेत्र में जाने वाला है। उसके पतन पर लोग विष्णु और गरुड़ को ही मरा समझेंगे। इस प्रकार हमारा वर्चस्व भी समाप्त हो जाएगा और हमारी पूजा का विधान भी मिट जाएगा। अतः तुम उस काट के गरुड़ में प्रवेश करो और मैं जुलाहे के शरीर में प्रवेश कर लूंगा। शत्रुओं का मान मर्दन करने से ही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विष्णु जी के ऐसा कहने पर शत्रुओं को तो शीड होना ही था। राजा द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाना भी संभव हो गया। तत्पश्चात विस्मित जुलाहा जब धरती पर उतरा तो लोगों ने चारों ओर से उसे घेर लिया। तब जुलाहे ने लोगों को सारी कहानी सुना दी, लेकिन राजा ने शत्रुओं पर विजय का श्रेय उसे ही देते हुए अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। इसके पश्चात जुलाहा पत्नी बनी राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। यह कथा सुनाकर दमनक ने करकट से कहा, अनेक बार उचित प्रकार से प्रयोग किए गए दम्भ से भी अभिष्ट की सिद्धि की जा सकती है। इस पर दमनक को सावधान करते हुए करकट कहने लगा, बंधु तुम्हारी सोच और तुम्हारा कहना ठीक हो सकता है, परंतु मुझे भय लगता है। संजीवक बुद्धिमान है किंतु पिंगलक उग्र और क्रोधी है, इसलिए मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर भी संजीवक और पिंगलक के मध्य फूट डालने में तुम्हें समर्थ नहीं मानता। दमनक बोला, मैं सीमित साधनों के होते हुए भी अपना उद्देश्य सिद्ध करने में अवश्य सफल होऊंगा। मैं जानता हूँ कि पराक्रम से जो काम ना किया जा सके समुचित उपाय करके उसे भी किया जा सकता है। एक साधारण कौवे ने अपने उपाय से ही काले अजगर का विनाश कर डाला था। करकट के आग्रह पर दमनक उसे कौवे की कथा सुनाने लगा, जिसने अपने मित्र की सहायता से अपने से बहुत बड़े दुश्मन को भी हरा दिया। उस कौवे की कथा सुनेंगे हम कथा के अगली भाग में।